ये मेरा अड्डा है, इसके पीछे मेरी बाइक खड़ी होती है। और ये देखो किसी ने पेट्रोल निकाल लिया भाई, ये पाइप काट के ना पेट्रोल निकाल लिया भाई, समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई माल तो मैंने किसी और के पास भेज दिया है, और अपने भाई एक को बुलाया है और वो मेरे को पाँव लगा के ले जाएगा। और इस भाई को भी रोका हुआ है और एक दो को रोका हुआ है, साथ में चलेंगे क्योंकि भाई आजकल ना वारदातें बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये बंदा यार मेरे अड्डे के पीछे कैसे कर दिया इन्होंने, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा भाई। ये मेरा अड्डा है, यहाँ मेरी बाइक खड़ी होती है, वो बंदे ने पाइप काट दिया, पेट्रोल सारा ले गया। ये देखो ये ढक्कन भी तोड़ दिया इसने, ये ढक्कन भी तोड़ दिया पूरा, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। कल मेरे दोस्त ने एक ठंडे बाजार लगा था रवि नगर का, टैगोर गार्डन का, और भाई ईमानदारी से उसके भाई 6,000 रुपये जेब से लूट लिए, बस ऐसे ही हाथ रखा कंधे में, मुंह पे क्या सुंघाया क्या नहीं सुंघाया, उसकी जेब से 6,000 रुपये लूट लिए। तो भाई आज मैंने अपने 2-3 बंदे रोक लिए हैं और एक बंदे को बुला लिया है और साथ जाऊंगा भाई घर। ये भाई रानीबाग का बाजार है। और ये देखो भाई ईमानदारी से समझ ही नहीं आ रहा मेरे को भाई, एक बार हुआ था मेरे साथ ये मंगलवार नारायणा में, यही पाप काटा था और यही निकलवा दिया था उसने पेट्रोल, और अब भी ये देखो ये सीन कर दिया भाई बंदों ने। भाई चलो अब देखते हैं, अभी भाई को बुलाया है, किसी भाई को बुलाया है साथ में, और देखो चलते हैं अब। ये भाई को बोला साथ चलेगा ना भाई, साथ चलेगा ना। ये मेरा ये हो गया ना, मैं गाड़ी बाहर कर दिया, इन भाई इस भाई को रोका हुआ है मैंने, ये भाई को रोका हुआ है, ये भाई को रोका हुआ है, और एक को बुला रखा है। तो भाई भाई दिल्ली का रात का ऐसा सीन है, कुछ भी हो सकता है, ये तो है? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। तभी भाई मैंने 3-4 अपने भाई रोक लिए बाजार के, तो भाई यही तो होती है एकता, अभी इसलिए रोका हुआ है भाई। अपनी गाड़ी अब कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी घर पता नहीं है, लेकिन घर जाएगी जरूर, लेके जरूर जाएंगे। अभी भाई एक को टाइम लग रहा है, वो मोती नगर बाजार में है, गाड़ी घर खड़ी करेगा, फिर स्कूटी उठाएगा, हेलमेट उठाएगा, फिर आएगा हमारे पास। और ये देखो ये भी रुका ही हुआ है, ये भी लल्लू है, छोटी छोटवाया है, आ गया अपना भाई, इसको बुलाया भाई मोती नगर बाजार से, गाड़ी खड़ी करके आया, अब ये पैर लगाएगा इस पे, चले भाई। सुनो तो पहले पता लगना चाहिए ना कि चोर कहाँ पे कहाँ क्या करते हैं, वीडियो नहीं ये हकीकत है, हम ब्लॉगर हैं भाई, काम भी करते हैं। तो ये पहला बाजार दो ना, हर बाजार में चोरी है तो है ना, लेकिन दिखा दिया बहुत भयंकर चोरी है, ना आगे ध्यान रखो भाई। फाइनली पहुंच गया हूँ घर, इनको बुला लिया था नीचे, वो भाई वो मेरे को नीचे छोड़ के चले गए थे सारे, और मैंने उनको नीचे बुला लिया था। चलो अब भाई ये देखो ये कैसे पेट्रोल निकल रहा है, देखो ये देखो ये देखना, ये देखो ये सारा पेट्रोल निकला हुआ है, ये देखना अभी, ये देखो ये टपके का, ये देखो ये बांध रखा है ना मैंने, ये पूरा टपक रहा है, ये देखो ये सारा टपका हुआ पेट्रोल, ये देखो क्योंकि मैंने इसको बांध रखा है भाई, बिल्कुल नहीं है पेट्रोल, ये देखो ख़त्म कर दिया उसने पेट्रोल भी। तो चलो अब ये लगाता हूँ और गाड़ी खड़ी करता हूँ। पेच किसके पास है? मेरा लगा, किस पे लगा, आराम से चल लगा, ये लगा, देख गाड़ी ना गिरे, एक मिनट रुको, खोल 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 खोल। तो भाई इसलिए मैंने भाई वो 5 बंदे रोक रखे थे, क्यों सोचे संजय बंदे की साजिश है। एक बारी मेरे साथ पहले भी हुआ था मंगलवार नारायणा में, मेरी गाड़ी है, जब गाड़ी नई नई ली थी मैंने, और भाई उसका भी ऐसी पाइप काट लिया था, और शुक्र है भाई पड़ोसियों से बना के रखे, बस तो कहते ना सब बना के रखो सबसे। तो ये एक भाई भाई 5 बंदे मेरे को छोड़ने आए थे, तो मैंने बच्चों को सबको नीचे बुला लिया था, वो छोड़ के चले गए। और ये देखो टाइट तो कोई बात नहीं, इसको टाइट कर दिया ना, छोड़ दे, सीट लगा सीट लगा, ये रुझा उजा हो जाएगा, तो सीट लगा सीट लगा सीट लगा छोड़ सीट लगा यहाँ लगा, और वो तो बेटा सुबह करवाऊंगा, अब जो हो गया तो हो गया, सीट लगाओ ये तो रखा अंदर रखो उसमें, चलो लगाओ टूल रख इसके, और इसको देखो हेलमेट पहन के, इनको मैंने वैसे नीचे बुला लिया था भाई। और टाइम पता कितना हो रहा है, 12 बज चुकी है इस टाइम पे, 12 बज चुकी है 12। मैं बुलाने को इस भाई को भी बुला सकता था, ये भी आ जाता, लेकिन क्योंकि ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, जब मेरे को पता है जब कोई नहीं आएगा तो इसको बुलाऊंगा, बाकी अपना हो गया था। और चलो लगा लगा आगे जाएगा, ये ऐसा हो गया चलो आगे का, रुक रुक चलो लग गया, गाड़ी मैं करूँगा नीचे पकड़, इसमें इतना तेल रहने नहीं ना क्योंकि सिर्फ पेट्रोल पंप तक जा सके ना भाई, तेल तो है ही नहीं, बस थोड़ा वो जो बचेगा उसको
अब यहाँ खरीद मोबाइल नंबर में भेज बदलेगा। कोई कपड़ा उपड़ा है उसके? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो खुल जाएगा ना, देख रहे हो ये जो गैप है ना, इसमें कोई पेचकस वगैरह डाल के ना ये हिस्सा पूरा तोड़ दिया उसने, ये तोड़ के ना ये देखो ये पूरा कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं भाई, अब इसको सही करेंगे। और ये देखो कपड़ा बांधा हुआ, सही कराना पड़ेगा। तो भाई जो हल्के में टल जाए ना वो हल्के में टल जानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ने जो सोचा था अच्छा ही सोचा था। घर पहुँच गए हैं, अब इसको करेंगे सूर्य रिपेयर। ये देखो ये एक लग गया अंदर, हो गया हो गया हो गया। उसने बंदे ने लॉक तोड़ दिया था, मतलब खींच के हो गया ना अंदर। हो भाई उसको हाथ मारा ना, वो अंदर चला गया। और चलो चलते हैं ऊपर। तो भाई फाइनली अब आके हाथ मुँह धोया और गर्मी इतनी लग रही थी। और टाइम दिखाऊंगा आपको, ये देखो। तो अब सुबह भाई अब जाऊंगा कल, पहले सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के गाड़ी ठीक करानी है। गाड़ी ठीक करा के माल लेके आना है वहाँ जिनके घर पड़ा है, और अपना फिर थोड़ा बहुत जो माल लेके आना वो लाना है। तो भाई भाई दिल्ली में ऐसे भाई बहुत क्राइम हो रहे हैं। ये जो जेब काटना, जेब कतरे हो गए, गाड़ी चोरी होगी, बैटरी, वो तो शुक्र है परमात्मा का मेरी बैटरी चोरी नहीं हुई, नहीं तो भाई तो 1500-2000 रुपये का और नुकसान था। वो तो शुक्र है भाई 200-300 रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन भाई इतनी बना रखी है कि भाई 5-5 बंदे मेरे साथ आए थे, उनको मेरे को छोड़ के गए साथ में, और बच्चों को मैंने नीचे बुला लिया था। और चलो अब खाता हूँ रोटी, और मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सब अपने को सेफ रखना। ये नहीं कि मेरे साथ हुआ है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा एक पड़ोसी है भाई, शुक्रवार वाला बेल्ट वाला जो मैंने कई बार ब्लॉग में दिखा रखा है, उसके साथ हुआ रघुवीर नगर से आते हुए संडे बाजार में। बंदे ने पीछे से हल्की सी बाइक मारी है, उसने आगे जाके अंधेरे में रुकवाया है। उस बंदे ने पता नहीं क्या सुंघाया उसको, क्या नहीं सुंघाया, ऊपर से 5-5.5 हज़ार रुपये निकाल लिए। उसको होश ही नहीं, 1 किलोमीटर दूर जाके उस बंदे को होश आया है कि मेरे जेब से पैसे चले गए हैं। वो गाड़ी चलाता गया है, तो वो भाई पुलिस स्टेशन भी गया और हॉस्पिटल भी गया, सब दिखाया उसने। लेकिन भाई जब बंदा जो हो जाता है ना तो कुछ नहीं कह सकते। तो भाई चलो ध्यान रखना, सतर्क रहना। ये जब किसी के साथ क्राइम होता है ना तभी ही पता लगता है, नहीं तो हर कोई कहता है यार हम तो देख लेंगे। लेकिन भाई किसी का फोन खींचा, ये हकीकत है, सच्चाई बताऊं जब जिसके साथ कोई कांड होता है ना उसे ही पता लगता है। मेरे साथ हो चुके हैं 2-3, तो मैं बता रहा हूँ। तो सेफ रखना, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।